नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं हमारा 24 टुडे न्यूज चैनल। इस बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार, टोपी वाले भैया के साथ देखिएगा। हम आए हैं कांट क्षेत्र में और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे बोल रहे हैं, पूछेंगे कि इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो चलिएगा। ओमकार सिंह, ओमकार सिंह जी, 2022 में यूपी चुनाव है जी और सभी जानते हैं कि पार्टियाँ अपने को वादे लेके आ रही हैं, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? भाजपा का चलिए, लोग सब भाजपा वाले ही हैं तो भाजपा के जरिए। अच्छा, गल्ले के ऊपर लोग टिके पड़े हैं ना, गल्ला दे रही सरकार हमें, गल्ला दे रही है। अच्छा, गल्ले के ऊपर ही टिके पड़े हैं, यानी गल्ला ही एक मुद्दा रहेगा जो कोरोना काल में बांटा गया है, क्या उससे सरकार जीत पाएगी कोरोना काल में? हाँ जी हाँ, इनको थोड़ा बहुत असर तो आता ही है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार कौन सी सरकार आए? सरकार तो कोई से बन जाओ, हमें तो मजदूरी करनी है, मजदूरी करनी है। सरकार से क्या कहा, हमें कोई सरकार को फोकस दे रही है इसमें क्या लाभ छोड़ दे रही है? मतलब हमें मजदूर आदमी 350 रुपये मिला, 350 मिल रहा है। 5 साल में योगी सरकार में कोई लाभ नहीं मिला? हमें तो कोई लाभ नहीं मिला था। क्यों? सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए कि हमने हर घर में गैस सिलेंडर दिया है। गैस सिलेंडर दिया, फ्री में सिलेंडर कर दिया, 1200-1100 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, इसमें क्या मिला है? 500-600 रुपये सिलेंडर मिले करे, पहले 1200 का 1100 सिलेंडर मिल गया है, क्या मिल गया इसमें? 1100 का सिलेंडर हो गया। हाँ 1100 है। फ्री में सिलेंडर मिल गया, सरकार ने दो बार राशन भी तो दिया है। राशन देने से 5 किलो राशन मिल गया है, 5 किलो में भी 4.5 किलो यहाँ कटखट के आ रहा है, क्या है उसमें बताओ? युवा और मौजूद है यहाँ, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी को क्यों देखना चाहते हैं? लेकिन आप इस बार तो कहा गया कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो स्तर है वो कम होता चला गया। कम नहीं होगा, आप धार देख लो, कल की धार देख लो, बढ़ता जाएगा। अभी 9 तारीख को एक सभा हुई थी लखनऊ में, क्या आप वहाँ मौजूद गए? बिल्कुल गया था, मंच पे बहन जी के पहुँचा था। कितनी उनकी भीड़ थी वहाँ? 1.5 लाख के संख्या में बहन जी देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे कि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि बहन जी का जो पुनवा है वो घटता चला जाएगा, घटेगा नहीं बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इस बार बहन जी को देखना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या किया था बहन जी ने जो आप उनके गुणगान गा रहे हैं? गुणगान इसलिए गा रहे कि वो जो है सब समाज के लिए, सब समाज के लिए, सब समाज के लिए जो है वो विकास भी करती है, मानव व्यवस्था भी करती है। विपक्ष पार्टी ने तो उन पर आरोप लगाया था कि परिवारवाद की राजनीति करती है। आरोप कितना भी लगाओ, आरोप तो मेरे पे कोई भी लगा सकता, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या इस बार बहन जाएंगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, 5 साल बीतने वाले हैं, बीजेपी सरकार में क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ा। क्या प्रभाव? अरे सारे नौजवान बेरोजगार हो गए। जो चुनाव से पहले योगी सरकार ने वादा किया था कि हम हर नौजवान को नौकरी देंगे। नौकरी? अरे नौकरी मिलेंगी, अभी सलाहकार उन्होंने पहले कहा था कि इंटरव्यू बंद होंगे, उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड का एग्जाम बनाने के लिए उन्होंने प्रारंभ भी किया। तो रोजगार भी तो दिया है युवाओं को, रोजगार। अरे युवाओं को रोजगार अगर मिलता तो पकौड़े भेजने की बात कहाँ से आती? उन्होंने तो कहा है कि अगर रोजगार करना है तो पकौड़े भी तल सकते हैं। जी बिल्कुल तलेंगे, अगर दोबारा अगर सत्ता में अगर आती है तो नौजवान बिल्कुल पकौड़े तल के बेचेंगे। क्या करेंगे? तो क्या पकौड़े तलने के लिए नौजवान रह गया? और क्या करेगा, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो पकौड़े बेचेगा, पकौड़ी दुकान खोलेगा। योगी जी ने खुद कहा था कि हमने 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया, नौकरियाँ दी, नौकरियाँ दी, बताइए किस डिपार्टमेंट में? इस बार किसको देखना चाहेंगे? इस बार देखना चाहेंगे मोदी जी। मोदी जी को? मोदी जी तो यूपी में लड़ते ही नहीं। मोदी जी सपोर्ट नहीं करेंगे योगी जी को, तो योगी नहीं, तो आप मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे? बीजेपी को? मोदी जी को? अरे सर बीजेपी को तो वोट दोगे, लेकिन जो चुनाव लड़ेगा यूपी में उसके नाम पे वोट दोगे या मोदी जी के नाम पे वोट दोगे? योगी जी को वोट देंगे, बीजेपी हम आपसे कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। मोदी जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो है योगी जी ने काफी तरक्की की है। काफी तरक्की की है? क्या तरक्की की है? देखो एक तो हमारे क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ गुंडागर्दी कहीं नहीं है। अभी भाई ने बताया था, नहीं मैं उसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ, कहीं मैंने गुंडागर्दी जितने रात रात में चलते थे वो गुंडागर्दी खत्म, जितने बदमाश है वो मारे गए, बदमाश जो थे मारे गए, चाहे वो इस सरकार में नहीं है। पहले मैंने सरकार देखी थी अखिलेश की, उसमें खास खास ये होता था कि अखिलेश अपना भाई है या मेरा भाई है या उसका रिश्तेदार है। सर कहीं ना कहीं सिस्टम में तो आज भी कमी है, ऐसा नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं सिस्टम में तो आज भी कमी नहीं है सर, 50% पहले क्या होता था, जेब के पीछे लेते थे, आज खुले में लेते हैं। सर नहीं है, ये तो हम जनता की बात कह रहे हैं। अच्छा कितनी भी सरकार आ जाए लेकिन अब 50% नहीं, 99%, ये 100% बता रहा हूँ, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आप देख लेना।
अगर मैं यही हूँ, मैं भी सदरपुर में ही हूँ, सदरपुर मतलब तो कहा है कि किसानों ने भी कहा है कि यहाँ पे सुपड़ा साफ कर देंगे। नहीं, अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता है या वोटर है? मैं वोटर वोटर। अच्छा, तो एक ऐसी योजना बता दो जो बीजेपी ने लागू की है, जो इस सरकार में, योगी सरकार। देखो जी, योजना तो ऐसी है, देखो घर घर जाके गैस मिली है। कानून व्यवस्था अच्छी है, अनुशासन जो गुंडागर्दी वगैरह सब कम होती है। तो गुंडागर्दी तो बीजेपी सरकार में भी कम हुई है, कहीं ना कहीं कहा गया है कि बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी। हम बता दूं, गुंडागर्दी कैसे हो रहा हूँ? हाथरस का केस देखो, अरे हाथरस का केस देखो, दिल्ली का केस देखो, पुलवामा का केस देखो, गुंडागर्दी खत्म हुई। किसानों में कैसे घटना चल रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जो वादे किए थे क्या वो पूरे नहीं हुए? वादे क्या, वो दोबारा दुगना करने की बात करिए, तेल और रिसोर्स दुगना हो रहा है। जितने बड़े युवा है वो बेरोजगारी। आप कैसे कह रहे हैं कि सारे बेरोजगार हैं? यूपी सरकार ने तो कहा है कि हमने रोजगार दिया है युवाओं को, अधिकतर रोजगार बस किताब पन्नों तक सीमित है, वैसे रोजगार नहीं मिले। वैसे रोजगार नहीं मिले, अगर रोजगार मिलता तो कहीं ना कहीं आप भी, हम भी रोजगार पे होते। रोजगार पे होते, रोजगार में क्या आप पकौड़ा तलिए ना? मोदी जी चाय बेचेंगे, हम भी चाय बेचेंगे। मोदी जी चाय बड़े राजा नहीं होते? चाय बेचकर प्रधानमंत्री, चाय से नहीं, चाय बेच कर सभी भारतीय संविधान द्वारा बने प्रधानमंत्री। भैया आपका नाम? इस बार यूपी में किसको देखना है? बीजेपी को। ये आ गए, आओ यहाँ विधायक जी बने हैं क्या? आपके गांव में कभी आए? पहले आए थे, जीतने के बाद तो कोई नहीं आया। अच्छा, जीतने के बाद नहीं आए? जीतने के बाद काम भी नहीं उनका यहाँ आने का। क्यों? जैसे पहले हाथ जोड़ने का काम, हारने के बाद यहाँ साहब आई है। तो ऐसे लोग क्यों चुन लेते हैं आप? अच्छा, जैसे आपने बीजेपी के यहाँ विधायक जी को चुन के भेजा था, ठीक, अगली बार भी वही विधायक आप चाहते हैं कि चुन के भेजा जाए? महंगाई पर जो प्रभाव पड़ा है, महंगाई तो काफी कर दिया है बीजेपी में, ऐसी बात नहीं। पेट्रोल 102 रुपए, 1 रुपए, 101 रुपए 37 पैसे है। खाने का तेल 200 रुपए किलो, ये नाजायज है। सिलेंडर सिलेंडर 950 रुपए का है आज की डेट में। किसी के यहाँ सुबह को 350 रुपए कमा के लाता है, वो दवाई में अपने बच्चों के लिए लगा गया, 950 का सिलेंडर लेगा, इससे उधार लेने जाएगा? ये बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता तो कहते हैं कि हमने घर घर गैस सिलेंडर की व्यवस्था की। घर घर सर, घर घर सिलेंडर दी, सभी को नहीं मिल पाए, जिन्हें मिले हैं। अब ये बताइए, जो गरीब आदमी है उन्होंने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर फ्री मिल गया उनको, अब बाद में सिलेंडर काय से भरवाएंगे? सरकार थोड़ी भरवाने आ रही है, बताए काय से भरवाएंगे? कहीं तो महंगाई पड़ी है। अखिलेश यादव, हाँ ये वही बात पाई जाएगी। अरे यार अखिलेश यादव तो हमारा ऐसा मान लो नेता है, वो उन्हें विकास करा इसी चाहते हो। अच्छा, क्या योगी सरकार में विकास नहीं हुआ है? योगी सरकार में कहाँ हो रहा विकास? क्यों आपको नहीं लगता? हमें लग रहा है, हमारा तो जगह रूम जाएगा, पानी भरा रहे अभी रास्ते में। योगी सरकार ने तो कहा है कि हमने गाँव गाँव में विकास किया है, कहीं नहीं गाँव में विकास किया। अरे खाली बेवकूफ बना रहे हैं, कहीं ना विकास। जो उनके वादे थे क्या वो खोखले वादे? हाँ सब खोखले वादे। इस बार अखिलेश, अखिलेश यादव कितने सीटों से आएंगे? अभी तो भैया अलग से बात ही पता चलेगा। सही बात है, अभी तो ये तो कैंप बताएगा भैया। देखो विश्वास, योगी सरकार में 5 साल में कितना प्रभाव पड़ा? सारा प्रभाव पड़ा है, ये तो भैया जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी सरकार है, गरीब तो सारा पीछा पड़ा है, बेकार हो गए। गरीब को तो 2 महीने में 2 बार राशन मिल गया, आसन द्वारा 18 से 60 बन चल रही है, मेरा खुद का राशन कार्ड ना भैया नहीं मिला। लेकिन सरकार ने कहा है संदर 18 से भैया तहसील के लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई उत्तर अधिकारी उन्होंने कहा तो वो भी रेल लिया ऊपर बोला तुम, आपको पता नहीं है 18 से बन चल रही है साइड। हम बार बार आया कहा कि हमने हर अधिकारी पर शिकंजा कसा, आप खाली बेवकूफ बनाने वाली बात। मनवीर सिंह जी, इस बार किसको देखना चाहेंगे? हम तो सर भाजपा को देखने जाएंगे। भाजपा को क्या काम है ऐसा? क्या सब कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गरीबों को राशन दे दिया कोविड-19 में। अच्छा, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, किस स्तर तक खत्म हुई है गुंडागर्दी? वो तो 0% पे आ गई, कोई गुंडा दिखाई नहीं देता गांव में। कहाँ चले गए सब गुंडे? सब मर गए, साले जितने भी हैं गुंडे सबको एनकाउंटर। लोग कह रहे हैं कि महंगाई इस समय आसमान छू रही है। महंगाई क्या है? महंगाई क्या है बताइए। मैंने देखा था 30 रुपए का डलवा, 50 रुपए का डलवा, अपने बताता हूँ। सन 2012 में मैंने 85 रुपए
पेट्रोल लिया था। अच्छा। तब तो किसी ने नहीं कहा जी आप कितने को है? 100 रुपए। ये कब तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं महंगा हुई? महंगा पेट्रोल क्या, आप कोई भी चीज ले लीजिएगा। खाने का तेल जो हम मिनिमम 60 रुपए को लेते हैं, 200। दाल के रेट क्या है? क्या है दाल के रेट? कौन कर रहा है आज भी 150 रुपए किलो दाल के रेट? कहीं नहीं, कैसे 60 रुपए को मैं अपने गांव में दिखा सकता हूँ। कौन सी दाल? कौन सी दाल? अरहर की दाल 60 रुपए को? हाँ क्या भाई, क्या भाई अरहर की दाल 60 रुपए को? 100 रुपए है। नहीं 100 रुपए से मैं अभी दिखा सकता हूँ गांव में। चलो ऐसा लग रहा है आपने तो सिर्फ बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा बना रखा है कि हर चीज अगर महंगाई भी है तो आपके नजरों में कम लग रही है। कम लग रही है, मैं तो अगर 1000 को तेल हो गया, 1000 को भी अगर तेल हो जाता है तो बीजेपी को वोट नहीं है क्या? 100% बीजेपी वाला हूँ मैं तो।